करियर के शुरुआत से ही नीना गुप्ता अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती है। वे हमेशा से अपने दिल की बात बिना हिचक कह देती हैं, चाहे वो अपनी बेटी मसावा के बारे में हो या मीडिया के बारे में या बॉलीवुड से जुड़े किसी अपने फ्रेंड के बारे में। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी बेटी मसावा गुप्ता एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन नीना ने उन्हें सलाह दी कि वो एक्टिंग की बजाय किसी और क्षेत्र में अपना करियर बनाना शुरू करें। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो तुम्हें विदेश जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिस तरह की शक्ल है और बॉडी है उससे तो इंडिया में काम। अगर तुम अच्छी एक्ट्रेस बन भी गई, तुम्हें उस हीरोइन का दर्जा नहीं मिलेगा जैसा हेमा मालिनी और आलिया भट्ट को मिला है। नीना ने बताया कि वे चाहती थी कि मसावा समझे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। नीना ने बताया कि वे चाहती थी कि उनकी बेटी मसावा समझे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना आसान नहीं है। नीना की बात को मानकर उनकी बेटी मसावा ने एक्ट्रेस के ख्वाबों को छोड़ दिया और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। आज मसावा टॉप डिजाइनर्स में से एक हैं। गौरतलब है कि नीना गुप्ता अपनी करीबी दोस्त महेश भट्ट से भी काफी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें काम नहीं दिया। नीना गुप्ता का कहना है कि मेरे बहुत करीबी दोस्त होने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी भी कोई काम नहीं दिया है, कभी मेरी मदद नहीं की। नीना का कहना है कि उनके एक थिएटर के दोस्त ने भी उनका नाम महेश भट्ट को सुझाया था, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा। मेरी मुश्किल के दिनों में मेरा कोई भी करीबी दोस्त मेरे साथ नहीं था। महेश भट्ट और सोनी राजदान मेरे काफी करीब थे, लेकिन अफसोस मुझे उन्होंने भी कभी काम नहीं दिया। नीना गुप्ता की लास्ट फिल्म थी बधाई हो, जिसके लिए उन्होंने काफी तारीफें बटोरी हैं। इस फिल्म में वे आयुष्मान खुराना की मां का रोल प्ले कर चुकी हैं। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें स्पेशल बॉलीवुड।